Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to maths class. Today we are going to start unit number 11, money. In this lesson, we will learn about bills, reading a bill, writing a bill, and finding the total amount of a bill. Now let's start with page number 174. Please take your pencil, write CW, and today's date is 25 March 2021 and day is Thursday. Bills. Dear students, what is definition of bill? Yes, answer is a written statement or note of money, such as a list of materials. Okay, now ready to read. This is a bill. Yah ek bill hai. It is given to us when we make a purchase. यह हमें तब दिया जाता है जब हम कुछ material purchase करते हैं. Okay? It gives us details of. यहाँ ये जो bill बनाया है, okay? यह हमें कुछ details देता है, जैसे कि what we bought. हमने क्या purchase किया है? Bought means खरीदना. तो हमने क्या खरीदा है? ओके आपको ये जो बिल शो हो रहा है ये है फ्रूट शॉप और फ्रूट शॉप का नाम है रोशन रोशन फ्रूट शॉप सो व्हाट वी बॉट तो हमने जो परचेस किया गया मटेरियल है वो आइटम्स के इसमें कॉलम में मेंशन किया जाता है ओके देन हाउ मेनी ऑफ ईच आइटम्स वी बॉट फिर नेक्स्ट हमने हर एक आइटम्स को कितना परचेस किया है ओके तो ये आपको शो हो रहा है क्वांटिटी में कितना परचेस किया गया है नाउ प्राइस ऑफ ईच आइटम हर आइटम्स की प्राइस जैसे कि ऑरेंज का रेट है पर केजी 25 रुपीज एप्पल का रेट है पर केजी मींस 1 केजी ये 55 रुपीज का है ओके लीची ये 1 केजी 50 रुपीज में है ओके तो मतलब हर आइटम्स की प्राइस यहाँ पे मेंशन किया जाता है रेट की कॉलम में नाउ नेक्स्ट प्राइस ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स बॉट परचेस किए गए टोटल आइटम्स की प्राइस ये आपके कॉस्ट के कॉलम में रहता है जैसे कि ऑरेंज है 25 रुपीज पर केजी और परचेस किया गया है क्वांटिटी में कितना मेंशन किया है 3 केजी ओके सो 25 × 3 is equal to 75 rupees. Understood? मतलब purchase किए गए total items की price यहाँ पे mention की जाती है. Now next, total amount paid. ये आपका material का list है, items का. ये rate है, फिर ये quantity, कितना purchase किया गया, फिर ये उसका cost है. और इन cost की total amount जितनी आती है, वो आपको शॉपकीपर को पेड करना होता है ओके मतलब टोटल अमाउंट जो पेड किया गया है अ बिल इज अ रिटन समरी ऑफ परचेस बिल यह परचेस किए गए आइटम्स का एक रिटन समरी मींस स्टेटमेंट्स होता है ओके क्योंकि आपके पास ये बिल रहता है तो ये एक प्रूफ है ओके इट इज आल्सो प्रूफ ऑफ परचेस यह परचेस करने का एक प्रूफ भी है So we must ask for it. इसीलिए हमें इसके लिए शॉपकीपर से पूछना चाहिए ओके मतलब कोई भी चीज हम लोग परचेस करते हैं तो आपको शॉपकीपर को उसका बिल देने के लिए कहना है ओके नाउ नेक्स्ट रीडिंग अ बिल बिल को रीड करना ओके रीड द बिल केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चंस बिल को ये जो बिल आपको शो हो रहा है इस बिल को आपको केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ए व्हाट टाइप ऑफ आइटम्स हैव बीन बॉट किस टाइप की आइटम्स को परचेस किया गया है ओके तो यहाँ पे आपको नाम शो हो रहा है सीताराम ग्रोसरीज ओके ग्रोसरीज मीन्स फूड एंड अदर थिंग्स दैट आर सोल्ड बाय ग्रोसर फूड मतलब अनाज या कोई और चीज है जो ग्रोसर के थ्रू बेची जाती है तो ये ग्रोसरीज
जो है ये हमारा आइटम्स का टाइप है, ओके मतलब किस टाइप की आइटम्स को परचेस किया गया है, सो ग्रोसरीज, राइट हियर ग्रोसरीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg राइस। फर्स्ट इसमें आपको नंबर शो हो रहा है आइटम में राइस, ओके तो पर केजी मींस 1 kg राइस का रेट है 62 rupees, सो राइट हियर 1 kg इज इक्वल टू रुपीज 62। नाउ सी विच आइटम वॉज बॉट द लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे कम, किस आइटम को सबसे कम परचेस किया गया है, किस चीज को सबसे कम खरीदा गया है, ओके नाउ राइस ये 5 kg लिया गया है, जितना हम परचेस करते हैं वो क्वांटिटी के कॉलम में आता है, ओके तो राइस ये 5 kg लिया है, आटा 5 kg, ऑयल 2 kg एंड देन दाल 1 kg, ओके ओनली 1 kg, सो राइट हियर दाल ओनली 1 kg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, विच आइटम इज मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स सबसे कॉस्टली, महंगा, ओके तो कौन सा आइटम ये मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब सबसे कॉस्टली है, लाइक दिस यहाँ पे राइस का रेट है 62, आटा का रेट है 45, देन ऑयल का रेट है 220, देन दाल का रेट है 120, ओके तो सबसे ज्यादा ये ऑयल का रेट आपको शो हो रहा है 220, ओके तो सबसे महंगा सबसे कॉस्टली एक्सपेंसिव आइटम कौन सा है, ऑयल, सो राइट हियर ऑयल 1 kg ऑयल इज इक्वल टू रुपीज 220, अंडरस्टूड डियर, ये आपका बिल है, ओके बिल के ऊपर शॉपकीपर का नाम रहेगा, देन फर्स्ट कॉलम आपका सीरियल नंबर, आइटम के नंबर, फिर आइटम के नाम यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे, देन उसके बाद रेट इन रुपीज, ओके मतलब पर केजी का रेट उसका लिखा रहेगा, केजी या लीटर जो भी है समथिंग, देन क्वांटिटी मतलब हम लोग कितना उस आइटम्स को खरीदते हैं परचेस करते हैं, तो ये यहाँ पे क्वांटिटी में मेंशन किया रहेगा, ओके देन कॉस्ट इन रुपीज, फिर जितनी क्वांटिटीज में हम लोग परचेस करते हैं उस क्वांटिटी को और रेट को मल्टीप्लाई करना है तो आपको कॉस्ट मिलेगा, और इन सारी कॉस्ट की फिल लास्ट में एक टोटल अमाउंट रहेगी जो हमें शॉपकीपर को पेड करना है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट राइटिंग अ बिल, मेक अ बिल फॉर द गिवन आइटम्स एंड डिटेल्स इन द गिवन स्पेस, नेम द स्टोर ऑफ परचेज एनी नेम यू लाइक, दिए गए स्पेस में यहाँ दिए गए आइटम्स और डिटेल्स के लिए एक बिल बनाए, परचेज का जो शॉप है, ओके मतलब जहां से हम परचेस कर रहे हैं उस शॉप का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, एनी नेम यू लाइक, कोई भी नाम जो आपको पसंद है, ओके सो राइट हियर रमेश फ्रूट शॉप, क्योंकि आइटम्स ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये फ्रूट्स है, एप्पल्स, बनानास, मैंगोज, ग्रेप्स, कीवी फ्रूट, ये फ्रूट्स है, सो राइट हियर रमेश फ्रूट शॉप, ओके नाउ 4 apples ये हो गया आपका क्वांटिटी, देन रुपीज 20 each ये हो गया उसका रेट, ओके डियर, देन आपको यहाँ पे कॉलम्स ड्रॉ करना है, सबसे पहले कॉलम रहेगा आपका सीरियल नंबर, देन आइटम्स, देन रेट इन रुपीज पर केजी या ऑब्लिक में ईच, ओके मतलब कुछ आइटम्स यहाँ पे आपको केजी और कुछ आइटम आपको ईच मतलब ऐसे ही सेपरेट सेपरेट परचेस किया गया है, देन क्वांटिटी इन केजी, ओके फिर कितनी क्वांटिटी ली गई है केजी में या ईच में तो वो आपको मेंशन करना है, देन लास्ट कॉलम रहेगा कॉस्ट इन रुपीस, ओके मतलब जितनी क्वांटिटीज हमने परचेस किया है वो और उसका रेट, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये कॉस्ट का आंसर मिलेगा, ओके सो फर्स्ट नंबर इज एप्पल्स, एप्पल्स का रेट कितना है रुपीज 20 each, सो राइट हियर 20, देन क्वांटिटी 4, ओके नाउ नेक्स्ट बनानास 6, रेट क्या है उसका 6 rupees, देन क्वांटिटी 6 परचेस किया है, देन नंबर 3 मैंगोज, उसका रेट है पर केजी 80 rupees,
सो राइट हियर 18, देन क्वांटिटी उसका है 2 केजी, देन ग्रेप्स नंबर 4 ग्रेप्स वो है 60 पर केजी, ओके रुपीस 60 पर केजी, सो राइट हियर 60 रुपीस, देन परचेस कितना किया है 1 केजी, देन कीवी फ्रूट नंबर 5 कीवी फ्रूट का रेट है 45 ईच, मतलब एक कीवी फ्रूट है आपका 45 रुपीस का, ओके नेक्स्ट कॉलम जो है क्वांटिटी आपको शो हो रहा है, तो क्वांटिटी में आपको एप्पल्स 4 किया है अपने परचेस, बनाना है 6, मैंगोज है 2 केजी, देन ग्रेप्स है 1 केजी और कीवी फ्रूट है ओनली 1। अब कॉस्ट को जैसे मैंने आपको बताया था कि रेट और जितनी क्वांटिटी हम लोग परचेस कर रहे हैं उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, सो 20 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80, 6 6 36, नाउ 80 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 160, देन 60 1 60, देन 45 1 45, ओके अब हमें यहाँ पे टोटल करना है अमाउंट जो हमें पेड करना है, उसके लिए इसकी टोटल करना भी जरूरी है, ओके सो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 1, राइट, देन 1 कैरी, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, देन 24 प्लस 4 28, सो राइट हियर 8, देन 2 कैरी, देन 2 प्लस 1 381, ये आपका टोटल अमाउंट है, ओके डियर, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या है रुपीस 381, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट फाइंडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ अ बिल, मतलब हमें किसी बिल की टोटल अमाउंट को फाइंड करना है, पता लगाना है। इफ वी नो कॉस्ट एंड नंबर ऑफ ईच आइटम we can easily find the total amount of a bill. यदि हम हर आइटम्स की कॉस्ट और नंबर को मीन्स क्वांटिटी को जानते हैं तो हम बिल की टोटल अमाउंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ओके डियर, यदि हम हर आइटम्स की कॉस्ट को और नंबर मीन्स क्वांटिटी को जानते हैं तो हम बिल की टोटल अमाउंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट अस कंप्लीट द गिवन बिल एंड फाइंड द टोटल अमाउंट, हमें दिए गए बिल को कंप्लीट करना है और टोटल अमाउंट को फाइंड करना है, ओके डियर। सो आइटम आपका है बिस्किट पैकेट, उसका रेट है 5 पर पैकेट, ओके देन क्वांटिटी कितनी है 12 पैकेट परचेस किए गए हैं, सो 12 5 60, कॉस्ट में आपको 60 रुपीस राइट करना है, देन जूस पर पैक 2 रुपीस का है और क्वांटिटी कितनी परचेस की गई है 160, सो राइट हियर 16 2 32, देन 0, ओके इट मींस 320, देन जैम ये जो पर पैक उसका है वो रेट है 1 रुपीस और क्वांटिटी कितना परचेस किया गया है 56, ओके तो उसका कॉस्ट बन रहा है 56, नाउ ब्रेड ये भी 1 रुपीस का है और क्वांटिटी कितनी है 32, ओके सो कॉस्ट उसका कितना आएगा 32। अब इसका हमें करना है टोटल अमाउंट, ओके सो टोटल अमाउंट करने के लिए हमें प्लस करना है 6 प्लस 2 8, देन 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16, सो राइट हियर 6 एंड 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, ओके सो टोटल अमाउंट 468, ओके डियर। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस का आंसर्स लिखना है, ओके तो सो व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन जूस, मतलब जूस पर स्पेंड की जाने वाली अमाउंट को लिखना है, ओके मतलब जूस पर खर्च किए जाने वाली अमाउंट क्या है, सो जूस का रेट है 2 रुपीस और परचेस किया गया है 160, तो उसका कॉस्ट है रुपीस 320, सो राइट हियर रुपीस 320। बी ऑन विच आइटम इज द लीस्ट अमाउंट स्पेंट, लीस्ट मतलब सबसे कम,
तो किस आइटम पर सबसे कम अमाउंट स्पेंड किया गया है, मतलब खर्च किया गया है। ओके, सो यहाँ पे सबसे कम आइटम जो है परचेस किया गया, मतलब खर्च किया गया, वो है ब्रेड। ओके, क्योंकि 1 रुपीज उसकी प्राइस है और सबसे कम उसकी क्वांटिटी है 32 और रेट भी उसका 32 है। ओके, सो राइट हियर ब्रेड 32 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, द टोटल अमाउंट स्पेंट इज। ओके, स्पेंट मीन्स खर्च की गई टोटल अमाउंट कितनी है। सो राइट हियर रुपीज 468। ओके डियर, अंडरस्टूड एवरीवन? तो आपको बिल को रीड भी करते आना चाहिए, उसको राइट भी करते आना चाहिए और देन फाइंडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ अ बिल, मतलब बिल की टोटल अमाउंट को भी फाइंड करते आना चाहिए। ओके डियर, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट 11D माइंड जिम। ओके, बाय डियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।